कोरोना संक्रमण ने रोकवा माटे जनता कर्फ्यू की जाहरात करवामां आवी छे। जेना पगले देशभर में आज खास करीने गुजरात में धंधा रोजगार एसटी सेवा सहित बजार पण बंद रहा, तो तेवा समय लोको मां एक दहशत जोवा मळी रही के दूध जोईए तेटलू नहीं मळे अने तेथी लोको जरूरियात करता पण वधु दूध खरीदी गया छे। त्यारे अमूल डेरीना एमडी आरएस सोढीए स्पष्टता करी छे के अमूल पासे जरूरी मात्रामां दूधनो जत्थो छे अने तेनुं वितरण पण राबेता मुजब चाली रह्युं छे। दूध की कोई अछत पड़े नहीं अने लोकोने समयसर दूध मळतुं रहेशे। तेना सप्लाय में कोरोना अने जनता कर्फ्यू ने कोई असर नहीं पड़े तेथी लोकोए दूध मामले चिंता करवानी जरूर नहीं। कंज्यूमर्स को विश्वास देना चाहता हूं कि अमूल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में कोई शॉर्टेज नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि अभी भी हम इस वक्त भी गुजरात के और भारत के बाकी प्रदेशों से रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट दूध की कर रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और मिल्क एंड मिल्क प्लस की हमारे पास भरपूर क्वांटिटी है कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। और आपने जब सुना होगा, देखा भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि दूध एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, एक जरूरी प्रोडक्ट है, तो उसके प्रोक्योरमेंट में, प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी लोग लगे हुए हैं उनको कोई भी किसी भी बात की मनाही नहीं है। वो पूरा काम कर रहे हैं, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। हालांकि हम अभी भी 15-20% दूध और दूध के प्रोडक्ट रोज ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, हम चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आपको पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अमूल दूध और बाकी प्रोडक्ट्स जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वही खरीदिए, वो हर रोज आपको मिलता रहेगा।